नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी की डाइट क्या खाएं क्या ना खाएं में। दोस्तों, सेहत को लेकर फिक्रमंद लोग अपनी डाइट में चिकन ज़रूर लेते हैं क्योंकि यह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है, मगर लोग अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सेहत के लिए चिकन लेग्स ज़्यादा हेल्दी है या चिकन ब्रेस्ट। तो आज की वीडियो में आपकी इसी कंफ्यूजन को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग करने वालों में अच्छी और बढ़िया बॉडी बनाने के लिए होड़ लगी रहती है कि इन दोनों में से चिकन का कौन सा पार्ट खाने से जल्दी और बढ़िया बॉडी बनेगी। इसलिए इन दोनों के अंतर को आपको बॉडी बिल्डिंग के नज़रिए से समझना होगा। आपको एक बात समझनी होगी कि हर चीज़ की ज़रूरत और समय के हिसाब से अपनी वैल्यू होती है। इसलिए सबसे पहले हम इन दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू को देख लेते हैं। बात करें 100 ग्राम लेग पीस की तो इसमें कैलोरी 177, प्रोटीन 25 ग्राम, फैट 8 ग्राम होता है, जबकि 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में कैलोरी 165, प्रोटीन 30 ग्राम, फैट 4 ग्राम होता है। अब आप देख सकते हैं कि लेग पीस में फैट चिकन ब्रेस्ट से ज़्यादा होता है लेकिन प्रोटीन चिकन ब्रेस्ट से कम होता है। दोस्तों, अगर आप पतले हैं, अगर आपको प्रोटीन के साथ साथ फैट की भी ज़रूरत है तो आपको लेग पीस का सेवन करना चाहिए। अगर आपको फैट नहीं चाहिए, सिर्फ मसल गेन करना चाहते हैं तो चिकन ब्रेस्ट खाना चाहिए। अगर बात करें निष्कर्ष की तो अगर आप चिकन के दोनों हिस्सों की तुलना करें तो चिकन ब्रेस्ट एक स्वस्थ विकल्प है। इसमें कैलोरी कम, प्रोटीन अधिक, फैट कम और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन आपको हर दिन व वर्कआउट के बाद एनर्जी देगा। आप चाहे तो दोनों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो चिकन ब्रेस्ट आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही खास जानकारियाँ पाने और स्वस्थ रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। गुरुजी की डाइट में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।